नहीं सही से नहीं भाई, बिल्कुल इसमें डामर और पड़ा ही नहीं है, बिल्कुल खराब रोड है ये जी। ये एकदम थर्ड क्वालिटी की रोड बनी हुई है, मुश्किल से 15 दिन ये चलेगी, 15 दिन के बाद फिर वही हालत में पहुंच जाएगी। हम लोग 4 साल से झेल रहे हैं, जिस तरह झेल रहे हैं, आने जाने में इतनी समस्या हो रही है, जहां पहुंचने में 15 मिनट है वहां 2 घंटे लग जाता है। इस समय हम मौजूद हैं रायबरेली के डी मार्ग पे। आप साफ साफ तस्वीरों में देख सकते हैं कि अभी इस रोड का निर्माण जल्दी ही करवाया गया है, लेकिन रोड पूरी तरीके से अगर बात की जाए तो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि रोड में डामर के नाम पे कहीं कुछ है ही नहीं, और अगर इसको पैर से हटाया जाए तो ये देखिए, ये रोड पर्त की पर्त निकलना शुरू हो गई। काफ़ी लंबे अरसे बाद ये रोड बनी, और रोड बनने से पहले ही ये अभी से टूटना शुरू हो गई। तो कहीं ना कहीं यहाँ के ठेकेदार या जिम्मेदार आला अधिकारियों के ऊपर सवालिया निशान तो जरूर उठना लाजमी है। हमारे साथ कुछ स्थानीय लोग भी मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे, वो जानेंगे कि क्या ये रोड जो बनी हुई है ये गुणवत्तापूर्ण बनी हुई है या नहीं बनी हुई है, जिसको लेकर के यहाँ के स्थानीय लोगों का क्या कहना है उन्हीं से जानेंगे और उनसे बातचीत करते हैं। दादा क्या नाम है? राम नरेश। नहीं बिल्कुल थर्ड क्वालिटी बनी हुई है, इसमें आधा पैसा नहीं लगा हुआ है। कब बनी हुई है? एक हफ्ता भी हुई बने, उखड़ एक हफ्ता बने हुए हुआ है, ये तो अभी से अभी उखड़ रही है, उखड़ रही है, खुद ही उखड़ रही है, दिखाई पड़ रहा है। क्या लग रहा है कितने दिन चल पाएगी ये? महीने में नहीं चल पाएगी, उखड़ रही है, महीने में उखड़ जाएगी सभी। अच्छा भैया, यहाँ पर कुछ युवा लोग हैं, डेली स्कूल आते जाते हैं, कॉलेज आते जाते हैं, काफ़ी समय बाद ये रोड बनी है, क्या लग रहा है ये रोड क्या सही बनी है? रोड तो सही नहीं बनी, बहुत दिनों बाद बनी हुई है, फिर भी टूट चुकी है, अभी ज़्यादा ज़्यादा एक हफ्ते बने हुए हैं इसको। बच्चों को आने जाने बहुत तकलीफ होती थी, काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है रोड फिर से। क्या लग रहा है जो ठेकेदार या निर्माणाधीन संस्थान इसको बनवा रहा है, क्या सही से बनवाया? नहीं सही से नहीं भाई, बिल्कुल इसमें डामर और पड़ा ही नहीं है, बिल्कुल ख़राब रोड है ये। ये ठेकेदारों जो बीच में खा जाते हैं और सरकार भी खा जाती है, इसलिए रोड बहुत बेकार हो चुकी है ये। जैसे कि हमारे साथ कुछ लोग और मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। भाई साहब, ये रायबरेली सिविल लाइन से डी जाने वाला मुख्य मार्ग है, बात की जाए तो आगे सांसद सोनिया गांधी का मकान भी है, आवास भी है, है ना, काफ़ी वीआईपी लोग इधर से आते जाते हैं। करीब 4 साल बाद ये रोड बन रही है, क्या सही बन रही है? बिल्कुल ख़राब बना, लो क्वालिटी है रोड की, और आपके सामने भी है, आपने दिखाया भी है, बिल्कुल सही नहीं बना ये। मेरे को लग रहा है 1 हफ्ते 2 हफ्ते ही चलेगा, फिर इसके साथ यही हो जाएगा वो पहले था। किसको जिम्मेदार मान रहे हैं इस लापरवाही के? ये तो ठेकेदार की भी गलती हो सकती है, बाकी सरकार की भी गलती है, पता नहीं सरकार सही कर रही है नहीं कर रही है, बाकी ठेकेदार कैसा है क्या नहीं है। जैसे कि हमारे साथ कुछ लोग और मौजूद, भाई साहब क्या लग रहा है, रोड बनी भी नहीं है अभी पूरी तरीके से, अभी आधे में ही कार्य हुआ है, उसके बाद ये उखड़ना शुरू हो गया? जी ये एकदम थर्ड क्वालिटी की रोड बनी हुई है, मुश्किल से 15 दिन ये चलेगी, 15 दिन के बाद फिर वही हालत में पहुँच जाएगी है। कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है? बहुत ही ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, ये कम से कम 4 साल बाद नंबर आया है, उसके बाद भी ये हालत है, ये रोड इस हिसाब से बनाई जा रही है, इतने दलाल लोग इसमें खा रहे हैं, इसका कोई जवाब नहीं है। जैसे कि हमारे साथ कुछ वरिष्ठ लोग भी मौजूद हैं, अमूमन आमतौर पर आप लोग रोज़ाना यहाँ से आते जाते हैं, खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ा? दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, हम लोग 4 साल से झेल रहे हैं, जिस तरह झेल रहे हैं, आने जाने में इतनी समस्या हो रही है, जहाँ पहुँचने में 15 मिनट है वहाँ 2 घंटे लग जाता है पहुँचने में, ये समस्या है। क्या लग रहा है ये जो निर्माण कार्य चल रहा है क्या पूरी तरीके से सुचारू है? बिल्कुल नहीं है, ये एकदम गड़बड़ है, क्वालिटी बहुत ख़राब चल रही है इसकी, जो स्थिति है 1 हफ्ते के अंदर उछड़ रही है, तो इसमें तो ये 6 महीने में ख़त्म हो जाएगी रोड, रोड का पता नहीं लगेगा कि गिट्टी और कहाँ है और डामर कहाँ है, डामर की मात्रा बहुत कम है। ये सब दिक्कतें हैं सामना करना पड़ रहा हम लोगों को, हम लोग बहुत परेशान हैं, और इसकी जाँच करवाई जाए उच्च अधिकारियों द्वारा, जिससे हम लोगों को आने जाने में दिक्कत ना हो। जिला प्रशासन रायबरेली के, उससे क्या अपील करना? जिला प्रशासन से हम अपील करना चाहेंगे कि इसको देख रेख में अच्छे से देखे, देख रेख कम हो पा रही, अधिकारी लोग इस पर नज़र नहीं डाल रहे हैं, या कोई में कोई कारण है कि अधिकारियों को किसी टेंडर, जैसे टेंडर जिस कंपनी को मिला है या किसी तरह से उनको दाबा गया होगा, तभी देख रेख नहीं हो पा रही है, यही समस्याएँ हैं सब। हमारे साथ यहाँ पे एक दादा हैं, रोजाना दूध का व्यवसाय करते हैं, रोजाना इधर से आते जाते हैं, खासी दिक्कतों का सामना भी किए होंगे दादा।
कितने समय बाद यह रोड बन रही है? ये 4 साल बाद बनी और कर्मचारी ठेकेदारों की कमी है, यहाँ के संसद विधायक की कमी है। नहीं, ये जो रोड बन रही है का ये सही बन रही? सही नहीं, 15 दिन में उखड़ जाए सर एकदम। ये मां तार कूल है ही नहीं ना भैया, का हो का ना हो राजस्व का विभाग का जान है, सरकार जान बनवाते नहीं, बनवाऊबे न करते तो ठीक रहा। साइकिल से आप लोग रोजाना आते जाते हैं? मां मौत मेरी हो जाएगी इस तरह के हम आदमियों को, और का कहे बच्चा। जैसे कि यहाँ पे स्थानीय लोगों का साफ साफ कहना है कि ये रोड बन रही है पूरी तरीके से ही अपनी हकीकत को स्वयं बयां कर रही है कि किस तरीके से यहाँ के जिम्मेदार ठेकेदार हों या विभाग के आला अधिकारी हों जो इसको नज़रअंदाज कर रहे हैं, और उनके नज़रअंदाज करने का नतीजा ये है कि आप साफ साफ देख सकते हैं कि कितनी बड़ी तादाद में गिट्टियाँ पूरी तरीके से बाहर हो गई। रोज आने जाने वाले राहगीरों को ये देखिए, आप साफ साफ देख सकते हैं कि ढेर का ढेर लग रहा है। तो ऐसे में लोगों का बजट भी पास हो गया, सड़क निर्माण का बजट भी पास हो जाएगा, सरकार के करोड़ों रुपए का राजस्व भी वो हो जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं इस तरह के ठेकेदारों द्वारा बनाई जा रही इस निर्माण रोड से लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा। अब इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा ये तो आने वाला समय ही बताएगा, और इस जिम्मेदार रोड को बनाने वाले ठेकेदार या इससे जुड़े हुए लोगों के ऊपर सरकारी महकमा कार्य करता है या उनके ऊपर कोई कार्रवाई करता है या नहीं करता, ये आने वाला समय ही बताएगा। राहुल मिश्रा, आर एक्सप्रेस, रायबरेली।